फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कम टू तापोला. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस नियर महाबलेश्वर एंड जस्ट हैव अ लुक, इट्स रियली ब्यूटिफुल. सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा तापोला पार्ट वन देखा है तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ वी केम टू तापोला, हाउ वी रीच तापोला और हमने शिवसागर बोटिंग क्लब पे कौन से बोटिंग पैकेजेस लिए थे, तो वो पार्ट आप डेफिनेटली देखना. ये एक डाइवर्जन पॉइंट है नियर गारवा रिसॉर्ट. तो जब आप आते हैं बोट क्लब की तरफ से तो आप नीचे का रोड लीजिए और जब आप आते हैं महाबलेश्वर से तो आपको यहाँ पे यू टर्न लेना है. शिवसागर बोट क्लब से द प्लेस वेयर वी स्टेड वॉज अराउंड 1.5 किलोमीटर्स. एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप जब यहाँ आते हो तो आप प्लीज़ आपका ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, बिकॉज यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बहुत ही पुअर है. सो ऑन द वे टू आर रिसॉर्ट हमने काफ़ी सारे दूसरे एग्रो टूरिज्म स्टेज देखे एंड वी हैव जस्ट कवर्ड अ फ्यू नेम्स जस्ट फॉर यू ऑल टू नो. मोर ऑर लेस आपको इन सभी होटल से बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा ऑफ द लेक एंड माउंटेन्स. और जैसे कि तापोला पार्ट वन ब्लॉग में मेंशन किया है कि द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ ड्यूरिंग विंटर्स. अगर आप यहाँ पे विंटर में आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट मिलेगा एंड द व्यू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. और अगर आप यहाँ पे रेनी सीजन में आते हैं तो ऑफकोर्स आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी बट द वाटर विल बी मडी जो लुक होगा. एंड इन समर्स द क्लाइमेट इज़ वेरी नाइस इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स. तो आपको दोपहर में ऑफकोर्स होटल में रह के रेस्ट करना पड़ेगा. सो दिस वे यू कैन प्लान योर ट्रिप. और जैसे आप देख सकते हैं द ड्राइव टू आर रिसॉर्ट इज़ रियली अमेजिंग. एंड आफ्टर एन्जॉइंग लवली व्यूज एंड अ वंडरफुल ड्राइव वी रीच्ड आवर होटल कॉल्ड द शिवसागर एग्रो टूरिज्म. रिसॉर्ट के एंट्रेंस में एक एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है तो आप आराम से आपकी गाड़ी लगा सकते हैं. और तापोला मेन विलेज से ये जगह 1 किलोमीटर दूर है. शिवसागर एग्रो टूरिज्म और रिवर कैंप एक प्यारा सा फैमिली लेक व्यू रिसॉर्ट है जहाँ पे काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. और हमने जो पैकेज लिया था उसका टाइमिंग था दोपहर के 12 बजे से दूसरे दिन के सुबह 10 बजे तक. यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे फल और फूलों के पौधे लगाए थे तो इसके वजह से जगह बहुत ही प्यारी लग रही थी. और बेस्ट पार्ट था कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड और क्लीन था. और चेक इन करने के बाद वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द प्लेस. और जैसे आप देख सकते हैं द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस. यहाँ पे काफ़ी सारे रूम ऑप्शंस है और आप चाहो तो यहाँ पे टेंट स्टे भी कर सकते हैं. और जैसे आप देख सकते हैं जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है दीज आर द कपल रूम्स और दे आर कॉल्ड एज द ग्राउंड फ्लोर सुपीरियर रूम्स. और यहाँ से व्यू भी बहुत ही सुंदर है. और जैसे ही आप टॉप फ्लोर पे जाते हैं देयर इज़ अ डॉर्मेट्री रूम नेक्स्ट टू द रेस्टोरेंट. और अगर आप ग्रुप अकोमोडेशन देख रहे हैं तो ये बेस्ट रूम है आपके लिए. और आगे आप जो देख रहे हो दैट इज़ द सुपीरियर लेक व्यू रूम्स ऑन द टॉप फ्लोर. एंड एज़ यू कैन सी रूम्स वर सिंपल बट बहुत नीट एंड क्लीन थे और उन्होंने सभी नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड किए थे टू मेक आर स्टे अ डिलाइटफुल वन. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज द व्यू फ्रॉम द रूम्स. आप अगर यहाँ से देखो तो व्यू इतना सुंदर था आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. टॉप फ्लोर पे ही रेस्टोरेंट सिचुएटेड है जहाँ पे वो खाना अरेंज करते हैं. और जैसे आप जानते हैं हमने 12 बजे चेक इन किया था और थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद वी हैड अ वंडरफुल लंच. लंच के बाद आप चाहो तो इन हाउस गेम्स खेल सकते हैं या यू कैन रिलैक्स. एंड आफ्टर एन्जॉइंग फ्यू गेम्स एंड रिलैक्सिंग फॉर सम टाइम हम 4:30 के आसपास नीचे गए थे नियर द लेक टू ट्राई आउट कायाकिंग. रिसॉर्ट के सामने से एक छोटा रास्ता जाता है जहाँ से आप नीचे की तरफ जा सकते हैं टूवर्ड्स द लेक.
ये एक 10-15 मिनट का वॉक है जो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे थोड़ा सा स्टीप है, पर इट इज़ डूएबल। इस जगह पे शिवसागर एग्रो टूरिज्म के बोट्स अवेलेबल है, और अगर आप चाहो तो अलग अलग वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पैडल बोटिंग और कायाकिंग इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज, तो अगर आप वो करते हैं तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आप पावर बोट लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। तेरा बोल दम लगा के हाईशा दम लगा के कैच। And friends, I was so happy. मैंने first time life में kayaking की and it was really a wonderful experience. And I highly recommend कि आप यहाँ पे आओ तो kayaking ज़रूर करना। They give good instructions, आपको कोई भी problem नहीं होगी। And water activities try करने के बाद we just sat down and relaxed and enjoyed this beautiful sunset. What a lovely moment it was. सनसेट देखने के बाद लगा कि आज का दिन तो कितना अच्छा था और कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, पर जैसे ही हम रिसॉर्ट पहुँचे यहाँ का तो व्यू ही अलग था। यहाँ पे तो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी गाने चल रहे थे, पीपल वर जस्ट रिलैक्सिंग एंड एंजॉयिंग एंड इट वॉज फन। इट गेव अ वाइब कि पार्टी तो अभी शुरू हो गई है। इस रिसॉर्ट का पर हेड पैकेज इज़ इंक्लूसिव ऑफ यहाँ का स्टे, लंच, हाई टी, फिर इवनिंग में लिमिटेड बारबेक्यू, देन डिनर, ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी। और आपको यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी है जैसे कि कायाकिंग, पैडल बोटिंग, स्विमिंग इन द लेक, फिर आप चाहो तो बॉनफायर कर सकते हैं, बैडमिंटन, कैरम, चेस, क्रिकेट वगैरह, ये सब इंक्लूडेड है पैकेज में। और यहाँ के रेट्स वेरी होते हैं फ्रॉम 1400 टू 1700 पर पर्सन एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कौन से सीज़न में आते हैं और कौन से रूम्स लेते हैं। इवनिंग में जो बारबेक्यू सर्व करते हैं विच इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज वो लिमिटेड है, पर अगर आप चाहो तो प्री ऑर्डर दे सकते हैं इफ़ यू वांट मोर। और यहाँ पे जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी है। और खाना खाने के बाद वी हैड अ लवली टाइम अराउंड द बॉनफायर, और शाम को इतनी ठंड पड़ गई थी वहाँ पे, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड आई डू रिकमेंड कि आप प्लीज़ आपके वुलन्स ज़रूर कैरी करना वहाँ पे। और सुबह उठ के जैसे ही हम बाहर गए इट वॉज सो कोल्ड आउटसाइड, बहुत ही ठंड थी एंड द व्यू इट वॉज वंडरफुल। सुबह सुबह ये जगह इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो मत, इट वॉज वेरी नाइस। और हवा जो आ रही थी ठंडी हवा थी थोड़ी सी एंड वहाँ पे जो बर्ड्स थे उसके आवाज़ आ रहे थे, तो इट वॉज लाइक रियली ब्लिसफुल, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जब इतनी बार मैं ये व्यू देख चुकी थी फिर भी मुझे वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि वही रुक जाओ और वही देखते रहो, दूर दूर तक पहाड़, पानी, इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज सो मैजिकल। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा मन तो नहीं कर रहा था, बट वी हैड टू चेक आउट एंड वी स्टार्टेड आवर रिटर्न जर्नी। जाते जाते हमने अपने आप से एक वादा ज़रूर किया कि हम यहाँ पे विंटर मंथ्स में ज़रूर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब नए ट्रिप वीलॉग्स आए आपको अपडेट्स आते रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस ग्रो।